आदरणीय अतिथिगण और सभी उपस्थित मान्यवर, सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े समारोह में VKD गोल्ड के शुभारंभ के अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा इस बहुत सुनहरे अवसर पर ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। VKD गोल्ड के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सभी लोगों का को बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, आपको बधाइयाँ देती हूँ। खास करके जयदेव जी, जिन्हें मैं बहुत सालों से जानती हूँ, उनका बहुत बहुत उन्हें मैं बधाइयाँ देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इतनी सुनहरी कल्पना को जन्म दिया और आज उसका शुभारंभ किया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जयदेव जी को बहुत सालों से जानती हूँ, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की उनकी हमेशा से ही इच्छा रही है और इसी दिशा में उन्होंने अलग अलग कार्य भी किए हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने VKD गोल्ड की भी स्थापना की है और उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इसे एक प्लेटफॉर्म या अवसर के रूप में हम सबको एक ये अवसर दिया है कि VKD गोल्ड की तरह से हम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर हम विकास कर पाए। सोने का महत्व हमारी संस्कृति में अनन्य काल से अनन्य साधारण रहा है, अनंत काल से रहा है और अनन्य साधारण रहा है। इसकी महत्ता या इसका महत्व हमें अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं रहती। ये हमसे बहुत ही पास से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज़ का उदाहरण भी देते हैं तो हम कहते हैं सुनहरा अवसर, यानी अवसर भी यदि वो सुनहरा है तो सोने से जुड़ा हुआ है। हर अच्छी चीज़, हर शुभ चीज़, हर मंगलमय चीज़, हर समृद्धि से जुड़ी हुई चीज़ सोने से जुड़ी हुई होती है और इसीलिए मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं है कि VKD गोल्ड, जिसका संबंध सोने से है और हमारे जीवन से है, हमारी संस्कृति से है, हमारे समाज से है, उसका बहुत ही आगे जाके विकास होगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर बनके हमारे जीवन में एक प्रचंड इसका बहुत ही बहुमूल्य इसका महत्व रहने वाला है। सोना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसे हम रोज़ाना की ज़िंदगी में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास यदि गाड़ी है, बंगला है, तो हम उसे साथ लेके नहीं चल सकते, लेकिन सोना एक ऐसी चीज़ है जो हम साथ में लेके चल सकते हैं। और हर व्यक्ति का भी फाइनेंशियल स्टेटस जब हम डिसाइड करते हैं तो वो सोने से करते हैं, और केवल व्यक्ति का ही नहीं, समाज का और सबसे बड़ी बात कि देश का भी जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो सोने से जुड़ा हुआ होता है। किसी ज़माने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और वो सोने की चिड़िया जिसे हमें बहुत गर्व होता है, लेकिन अब वो केवल इतिहास के किताबों में रह गया है। और मैं आज के दिन VKD गोल्ड के शुभारंभ के अवसर पर ये कहना चाहती हूँ कि VKD गोल्ड ने हमें वो सुनहरा अवसर दिया है कि हम फिर से हमारे देश को वो सोने की चिड़िया बनाने और बना के उस मकाम पर पहुँचाएँ। और इस अवसर पर मैं सभी लीडर्स का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो इसी दिशा में हमें आगे ले जाने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए VKD गोल्ड के द्वारा एक ये अवसर है जिसके द्वारा फिर से हम हमारे देश को VKD गोल्ड के द्वारा एक सोने की चिड़िया फिर से बनाने की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से सभी लीडर्स को अभिनंदन देती हूँ कि आप लोग ऑलरेडी इस दिशा में इतना बड़ा काम कर रहे हैं और आपकी जो प्रेरणा है, आपका जो एक टीम वर्क मुझे देखने को मिल रहा है और जयदेव जी की लीडरशिप के साथ इसका जो हमारा VKD गोल्ड का भी जयदेव जी ने मुझे सिंबल दिखाया वो भी बहुत खूबसूरत है और वो खूबसूरत एक सभी उसमें छिपा हुआ एक टीम वर्क, लीडरशिप, समृद्धि, मांगल्य, सभी उस बहुत ही खूबसूरत सिंबल या एम्ब्लेम में छिपा हुआ है। और इसीलिए मैं आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम आपकी सब शुभकामनाओं के लिए। अब हमारे अब तक आपने देखा कि आपने काफ़ी सारे लीडर्स को सुना। लीडर्स होते क्या हैं, है ना? तो लीडर जो होते हैं वो अपने जितने लीडर्स को आपने सुना, मैंने उनका जो भी आपको बताया उनके बारे में, तो इतना तो आप समझ गए कि वो अपनी अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कई उपलब्धियाँ भी पाई हैं,
वैसे तो जो भी उपलब्धियां उन्होंने पाई है वो अपने आप में हमारे लिए एक अवार्ड होता है, तो लेकिन उन्हें पुरस्कृत कर हम स्वयं वीकेडी गोल्ड गौरवान्वित हो रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हम अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं आप लोगों को अवार्ड देकर। तो आगे के कार्यक्रम की बागडोर में हमारे CMD श्री जयदेव गांडे जी को सौंपती हूँ, जो सारे लीडर्स को पुरस्कृत करेंगे।